तूने मेरे साथ विश्वासघात किया? चोरी से 5,000 कहाँ गए? मैंने चोरी की मेरे पैसे, लेकिन अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए? सुन, करोड़ करोड़ बना देगा उसका। तुम दोनों साले करोड़पति करोड़पति बना दोगे? मेरे घर में नहीं रहने का, बाहर निकल। मेरे को बाहर निकल। मेरे को खाने दे, बाद में निकलना। बाहर तू मेरे लिए बाहर निकल। सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। क्यों बे उजड़े चमन, सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया? लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर दो चार बचे हैं ना, वो भी उखाड़ दूंगा। प्रताप, बीड़ी जो ये साला एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले पूरा डाल ले, सवारी का माल से ले। लाख लाख मारा क्या भोग लगे, सुतेला सांप ने जगाड़ी। बीड़ी जो ये मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया, है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछूं मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा। सुनाओ ना कहानी। छोड़ दे मुझे। चल जा, हरम जाती, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती। माँ, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो। डाल दो साले के चिप में। मामा, मेरी माँ को बचा लो। बचाओ, बचाओ। वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। मामा, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को, बचा लो मेरी माँ को। वरना लोग उसे उठा के लेके जाएंगे। बचा लो मेरी माँ को। मामा, बचा लो मेरी माँ को। अरे क्यों है तुझ पर? सरे आप एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाह जता रहा है। मामा, बचा लो मेरी माँ को। मामा, अरे ये क्या बचाएगा मुझे, ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वैश्य बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। ऊपर वाले ने हाथ दिया है लगे फैलाने, मुंह दिया है लगे गिड़गिड़ाने। बचाओ बचाओ, कौन आएगा? अरे दांत सिर्फ खाने चबाने के लिए नहीं है, काटो उसको। अरे वो डंडा उठा, फोड़ दे उसका सर, हम तमाशा देखेंगे। क्यों कलम वाली भाई? एक औरत को धंधे पर बिठाना चाहते हो तुम? छोड़ोगी तुम लोगों को, कमीने कुत्ते। बहुत तंग किया तूने मुझे, मुझे बेचना चाहती थी। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत मारा तूने मुझे। कल से पानी भरे तो ही जाएगी। मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़ोगे? कौन दरवाजा? कौन? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात, एक होने बे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ, चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, हाँ ये है ना सलाह, तुम्हारी वजह से बिगड़ा ये। मैं तेरा मुनीम हूँ, लोग क्या कहेंगे?
तू क्या कर रहा है वहाँ पे? वो साले गुंडे मोबालियों के साथ में तो तेरे को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। क्या आसरा है? है? क्या आसरा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर। अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कन्फर्म करोड़, 1 करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। तुम मेरी इकलौती बेटी हो ममता, सो मुझे मालूम है कि अगर तुमने कोई लड़का चुना है तो जरूर वो कोई हीरा होगा। वो कोई बिजनेस मैग्नेट है या इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं डैडी, इनमें से कोई नहीं है। तो फिर जरूर वो किसी बड़े अफसर का बेटा होगा, या इनकम टैक्स ऑफिसर का, या कस्टम कलेक्टर का, या फिर पुलिस कमिश्नर का, या मेजर जनरल का। इनमें से भी किसी का बेटा नहीं है वो। अरे वाह, तो फिर जरूर वो किसी मंत्री, डॉक्टर या इंजीनियर का बेटा होगा। तो फिर किसकी औलाद है वो? कोई गरीब घराने का है या किसी झोपड़पट्टी में रहता है वो? हाँ। क्या मतलब? शहर के मशहूर बिल्डर योगराज की इकलौती बेटी दुल्हन बनकर झोपड़पट्टी में जाएगी? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन। डैडी, आपने लक्ष्मी नगर का नाम तो सुना होगा। सुना है सुना है, शहर के बीचों बीच एक सड़ी हुई झोपड़पट्टी है, वही रहता है ना वो। लक्ष्मी नगर का नाम तो ऐसे ले रही है जैसे शहर के सारे रईस वही रहते हो। डैडी, वो लक्ष्मी नगर के मालिक लक्ष्मीदास जी का बेटा है। क्या क्या? अपने लच्छू का बेटा है वो? लेकिन तू तो कह रही थी झोपड़पट्टी में रहता है वो। अरे बेटी, वो लक्ष्मी नगर का मालिक है, मालिक। वाह बेटी, मैं तुम्हारी पसंद की दाद देता हूँ। यूं समझ लो तुम्हारी शादी पक्की। मैं कल ही जाकर लच्छू से बात करता हूँ। अब तो तुम खुश हो। थैंक यू डैडी, थैंक्स। वाह बेटी वाह, क्या सही निशाने पे तूने तीर मारा है। लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बनाने का बहुत पुराना सपना था मेरा, आज तेरी वजह से वो सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है मुझे। लच्छू! योगू! अरे योगू मेरे यार। अरे तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगता है, एकदम दुबला पतला। मैंने तो सोचा था कि आदमी के पास पैसे आ जाए तो बड़ा झाड़ा मोटा हो जाता है। अरे यार, तुझे देखकर अपना बचपना याद आ गया। याद है तुझे, तू कैसे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाता था? और आज आज शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाला योगराज बिल्डर। अरे बातें छोड़, ये ज्ञानचंद जी है। अरे ज्ञानचंद के ज्ञान के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ, तुम्हारे कारोबार का काला सफेद कोई भी काम इनके ज्ञान के बाहर थोड़ी है, है कि नहीं? कंगी अंदर अंदर को, बहुत बुरी आदत है इसकी। आइए आइए, आओ आइए बैठिए आइए। हाँ तो भाई साहब बोलिए, क्या पियेंगे, गरम ठंडा? कुछ नहीं, मैं ओल्ड टीन पीऊंगा। नहीं वो घर में नहीं है। ये एक और बुरी आदत है इसकी। देख लच्छू, हाँ तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। बराबर। देख तेरा एक बेटा है, हाँ। मेरी एक बेटी है, हाँ। जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ भी मेरा है वो समझ ले तेरा है। यानी तेरा जो कुछ भी है वो मेरा है? हाँ। वो कैसे? सीधी सी बात है लच्छू, मेरा सारा माल मेरी बेटी का, मेरा मतलब है शादी के बाद तो दामाद का ही हो जाएगा ना। देख भैया, ये तो लेन देन की बात करेगा तो तेरी मेरी नहीं जमेगी। ये लो। इसलिए मैंने अपने बेटे को पहले से ही घर के बाहर भेज दिया है। अरे यार, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है, एक साड़ी में विदा कर देना, मुझे दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, समझे? वाह, नहीं। और दिन रात एक करके जो मैंने दुनिया भर की दौलत कमाई है वो किसके लिए? मुझे नहीं मालूम। देख, मैंने तो फैसला कर लिया है, 1 करोड़ नगद मैं ममता को दूंगा ही। 1 करोड़ नगद? 40-50 लाख रुपए के गहने और फिर एक छोटा सा बंगला, 3 करोड़ का। ये सब मैंने अपने बेटी के नाम कर दिया है।
40 50 के गहने मतलब 1.5 करोड़ और 3 का बंगला 4.5 करोड़। बाकी उसके बैंक के खाते में कुछ 2-3 करोड़ रुपए तो जमा है। अब बाप बनकर मैं उस पर नजर थोड़ी ना रख सकता हूँ। 3 करोड़ का तो बैंक बैलेंस 7.5 करोड़। अब जिंदगी भर दूसरे लोगों की शादी पर पैसा मैंने बांटा, अब अपनी बेटी की शादी पर वो लोग पैसा देंगे ही ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। यूं समझ ले कुछ 40-50 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। 40-50 की बख्शीश यानी 7.5 और 50 8 करोड़ की लक्ष्मी। देख अब तू ना करके दोनों प्यार करने वालों का दिल मत तोड़ देना। अरे मैं कैसे ना कह दूं भैया, लेकिन हाँ यार, ना का फैसला तो तेरी मर्जी से ही होगा ना। मैं तो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू जब हाँ कहेगा हम दोनों की शादी कर देंगे। ठीक